हेलो ऑल, वेलकम टू BBS बाबा फिजिक्स. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग स्मिथ मॉडल. दिस मॉडल इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सेल मॉडल. सो ये कुछ भी नहीं है, जो सेल मॉडल हम लोगों ने किया था उसी का कंटिन्यूशन में है. ठीक है, सो इसके लिए जो है पहले सेल मॉडल समझना ज़रूरी है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख लेना एक बार, सो दैट यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्मिथ मॉडल. सो ये क्या है? इन अ सिंगल पार्टिकल मॉडल मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है सिर्फ किसकी वजह से होता है? ओनली बिकॉज ऑफ द ऑड न्यूक्लियन. ठीक है, जो ऑड न्यूक्लियन आपका होगा उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. तो ये मतलब होता है स्मिथ मॉडल का. तो ठीक है, तो वी कैन डिफाइन इन वन लाइन कि इन सिंगल पार्टिकल मॉडल मैग्नेटिक मूवमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ऑड न्यूक्लियन. ठीक है, अब दो केस हो सकते हैं इसमें, इवन जेड हो सकता है, ऑड एन हो सकता है, और ऑड जेड और इवन एन. दिस इज कॉल्ड स्मिथ मॉडल. होप इट इज क्लियर. सो इट मीन, और यू कैन रीड, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ सेल मॉडल. ठीक है, तो सेल मॉडल का कंटिन्यूशन में स्मिथ मॉडल, तो कोई नई चीज़ नहीं है, तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, सो इन ऑड न्यूक्लियस क्या होगा? आई जो होगा, आई मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोला ना, ड्यू टू ओनली ऑड न्यूक्लियन जो लास्ट है. सो मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम, म्यू एस, वी ऑल नो, वी ऑलरेडी नो GSS, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, म्यू एल, GLL. ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दूँ, वेक्टर एडिशन है, म्यू एस प्लस म्यू एल, म्यू एस की वैल्यू GSS और म्यू एल की वैल्यू GLLS. इसका हमको पता ही है, GSS को हम लिख सकते हैं J J+1 + S S+1 - L L+1 और अपॉन में 2√J J+1 × GS प्लस ये वैल्यू होगी GL की. ठीक है, अब सिंगल पार्टिकल मॉडल, तो सिंगल पार्टिकल के स्पिन की वैल्यू क्या होगी? पर तो S की वैल्यू हाफ हो गई. ठीक है, नाउ लिसन, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दो केस बनेंगे, इन अ सिंगल पार्टिकल मॉडल स्पिन इज हाफ. नाउ वी हैव टू केसेस, एल पैरेलल भी हो सकता है इसके. तो फर्स्ट केस इज व्हेन एल इज पैरेलल टू एस, एंड सेकंड केस इज व्हेन एल इज एंटी पैरेलल टू एस. होप इट इज क्लियर. ठीक है, फॉर अ सिंगल पार्टिकल स्पिन इज हाफ. नाउ वी कैन हैव टू केसेस, व्हेन एल इज पैरेलल टू एस एंड व्हेन एस इज, व्हेन एल इज एंटी पैरेलल टू एस. व्हेन एल इज पैरेलल टू एस, जे की क्या वैल्यू हो जाएगी? जे इजिकल टू एल प्लस हाफ. ठीक है, और वेन एल एंटी पैरेलल टू एस, तो जे हो गया एल इजिकल टू, वो जे इजिकल टू एल माइनस हाफ. क्लियर, वेन जे इजिकल टू एल प्लस हाफ, इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रेच केस. प्रॉपर नाउन है तो रटना है. वेन जे इजिकल टू एल प्लस हाफ, इट इज कॉल्ड स्ट्रेच केस. वेन जे इजिकल टू एल माइनस हाफ, दिस इज कॉल्ड जेकनिफ केस. क्लियर, अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जे, जो भी जे की वैल्यू होगी, टू वैल्यूज हम म्यू की फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की. तो पुट एस इजिकल टू हाफ, जे इजिकल टू एल प्लस हाफ, कौन सा केस है? स्ट्रेच केस. इस वैल्यू किस में रखना? इक्वेशन वन कौन सी है? ये रही, अभी हम जो ऊपर सॉल्व करके आए थे ना, ये सिंपल सा है. इसमें जे की वैल्यू रख दो, एस की वैल्यू हाफ रख दो, आपका इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, ये रटनी एकदम, म्यू इजिकल टू आई माइनस का हाफ जे एल प्लस हाफ जी एस. क्लियर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच केस. वाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेच केस? बिकॉज वी हैव कंसिडर एस इजिकल टू हाफ एंड जे इजिकल टू एल प्लस हाफ. होप इट इज क्लियर. नाउ एस इजिकल टू हाफ, जे की वैल्यू एल माइनस हाफ, कौन सा केस हो गया? जेकनिफ केस. नाउ वी विल हैव अनदर वैल्यू फॉर म्यू. नाउ वैल्यू टर्न्स आउट टू बी दिस, म्यू आई आई प्लस वन, ये रटना है, और आई प्लस जी एल माइनस का हाफ. क्लियर, ये थ्री नहीं होना चाहिए, वन होगा, आई थिंक वन होगा या जे होगा, मैं कमेंट में लिख दूंगा आई थिंक. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा. दीज रिलेशन अब जो है, नाउ वी हैव टू वैल्यूज फॉर म्यू. फर्स्ट वन इज दिस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच केस. सेकंड इज नाइफ केस. दीज रिलेशंस डिफाइंस, अब ये देखो, टू इसमें कर्व्स बनाते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं स्मिथ लाइंस. वो म्यू वर्सेस आई होती है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना है. और जो वैल्यूज आती है म्यू की वैल्यू, तो कभी पूछा कि वाटर स्मिथ वैल्यूज, तो दीज आर स्मिथ वैल्यूज. वाटर स्मिथ मॉडल, तो हमने जो बता दिया था कि वो ओनली लास्ट न्यूक्लियन की वजह से होता है, ये जो था ऊपर, ये डेफिनेशन लिख देना, दिस इज आपका स्मिथ मॉडल. स्मिथ लाइंस पूछ ले, अभी हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में होगा? म्यू वर्सेज आई के बीच में. क्लियर, अब देख लें, फॉर ऑड प्रोटॉन ले लेते हैं, जेएल की, फॉर ऑड प्रोटॉन के लिए जेएल की वैल्यू 1 होती है, जेएस की वैल्यू 5.58 होती है. सारी वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन रख दो. सेकंड इक्वेशन कौन सी है? ये वाला. क्यों रख दो सेकंड में? क्योंकि हम स्ट्रेच केस के लिए भी ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, जब जेकनिफ केस के लिए करेंगे तो ये वैल्यूज किसके लिए पुट कर देंगे? थ्री इक्वेशन में. इसमें तो आपकी वैल्यू आ गई आई की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आ गई आई 2 + 2.9. ठीक है, जब थ्री में रखा तो म्यू की वैल्यू आ गई आई माइनस का 2.29 आई आई प्लस 1. सिंपल है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बेटर यू रिमेंबर देम, कोई एग्जाम में भी डायरेक्टली लिखना होता है. ठीक है, कोटेबल कोट है.
तो स्ट्रेच केस बन गया जैकनिफ केस. नाउ यू हैव टू वैल्यूज फॉर द म्यू, म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट. अब इसको ड्रॉ कर लीजिए कि म्यू की वैल्यू कहाँ से, तो म्यू वर्सेज आई. अब हमने इसमें रखा आई की वैल्यू, देखो तो मतलब कितना है म्यू स्ट्रेच केस, स्ट्रेच केस ये रहा. हाँ तो इधर 2+1 है, आई की वैल्यू थोड़ी ऊपर होगी तो 3 के आसपास से वैल्यू आएगी, ठीक है. फिर ये बढ़ता हुआ तो इसको करीब 3 के आसपास से ड्रॉ करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, उल्टे से तो मत ड्रॉ करना. और जैकनिफ केस के लिए ये पूरा वैल्यू है करीब 0 से भी कम आएगा, देखेंगे ना, क्योंकि आई और ये आई है और ये और बड़ा है तो और छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा 0 से कम आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी. दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इन द माइनस इन द वेरी स्टार्टिंग. फिर ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, होप इट इज क्लियर. तो थोड़ा सा 3 के पास से इसको बनाना है और इसको 0 से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है जैकनिफ केस के लिए. तो स्ट्रेच केस हो गया, जैकनिफ केस हो गया. फॉर ऑड न्यूट्रॉन जेएल की वैल्यू 0 होती है, जीएस की वैल्यू माइनस का 3.82 होता है. वही अगेन जैसे इसके लिए बनाया था, ऑड प्रोटॉन के लिए इक्वेशन 2 में रख देंगे तो किसका केस आ जाएगा, स्ट्रेच केस. और वैन ये इक्वेशन 3 में रख के वैल्यू आई है, ये हो जाएगा जैकनिफ केस. जैकनिफ की वैल्यू अगेन ड्रॉ कर दीजिए. स्ट्रेच केस के लिए माइनस है सीधा. अब देखो यहाँ एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है, लोग गलती कर देते हैं, ये 2 से थोड़ा नीचे बनाना है, 2 इधर आएगा थोड़ा सा, सॉरी इधर, हाँ, और ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी एकदम, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट है ही नहीं ना, डायरेक्ट है माइनस 1.91. और इसमें थोड़ा सा ये वैल्यू आई आई तो ये थोड़ा सा 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर. इसको यहाँ बनाना, ये प्लस 1 है, 0.1 नहीं है, ये प्लस 1 होगा, ये प्लस है, ठीक है. ये पहले ऐसे आएगा, फिर ये कॉन्स थोड़ा बढ़ता हो जाएगा, तो ये जैकनिफ केस हो जाएगा. दीज प्लॉट्स आर कॉल्ड स्मिथ प्लॉट्स, क्लियर. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ओके, बाय बाय.